संविदा की वो प्रथा जिससे दासता प्रथा हम मानते हैं आज भी, कि 7,000 में 5,000 में 10,000 में हमें काम करने के लिए आदमी चाहिए, वो दासता प्रथा समाप्त करते हुए घोषणा कर दी जन्मदिन पर अपने पर, उड़ीसा की जनता को एक बड़ा तोहफा दे दिया और बोल दिया संविदा मुक्त उड़ीसा राज्य। इसी देश का राज्य है उड़ीसा। 58,000 कर्मचारियों को एक दिन में नियमित कर दिया, संविदा का काम खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई भर्ती नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं देश के अन्य राज्यों में यह प्रथा कब लागू होगी? बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस सब पर चर्चा करेंगे बीजेपी के बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट में एजी अमरेंद्र कुमार अमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। देश के जाने माने पत्रकार आदरणीय पीयूष पंत जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ शिक्षा मित्र जयकिरण सिंह और उदयवान सिंह, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सीधा अमरेंद्र जी के पास आ जाता हूं, चूंकि एक एडवोकेट भी है सुप्रीम कोर्ट में, इस समय एजी है भारतीय जनता पार्टी के, और इसी देश में उड़ीसा है। बिहार में भी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षक रोज धरना देते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और खास करके दिल्ली हो, जो दिल्ली मॉडल पूरे देश में घूम रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसके शिक्षकों को कौन रोके है नियमित करने को। अमरेश जी, क्या पटनायक ने सबसे पहले का बड़ा रोल निभाया कि नहीं? एक बड़ी दास्ता प्रथा समाप्त की, इसे हम दास्ता प्रथा कहेंगे। राजनीतिक विचारधारा में मतभिन्नता के बावजूद मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनका प्रशंसक हूं। उनकी जो कार्यशैली है, आप देखते होंगे कि वो कामों में विश्वास करते हैं। उनकी बड़ी बड़ा स्टेटमेंट नहीं आता है, सारी बातों पर उनकी टिप्पणी नहीं आती है, वो राज्यों के प्रति केंद्रित होते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो संपूर्ण क्रांति से निकला हुआ, जेपी आंदोलन से निकला हुआ नायक के रूप में आज उनके पुत्र हैं। उन्होंने एक बड़ा काम किया, और बड़ा काम मैं इसलिए कहता कि जब आप संविदा पे बहाली करते हैं तो आप उस विभाग के साथ भी न्याय नहीं करते जिस विभाग को चलाने के लिए आप संविदा पे उसकी भी नियुक्ति कर रहे हैं। आज उसी को आप आउटसोर्सिंग के रूप में लेते हैं, फैक्ट्रियों में उसे नाम दिया गया है आउटसोर्सिंग, रेलवे भी आउटसोर्स कर रही है। उसको लगता है कि हम यदि नियमित कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं तब तो उसके वेतन मान देने होंगे, तब तो उसके पीएफ होंगे, उसके फंड्स कटेंगे, उनको बाद संविदा पे नियुक्ति कर लमसम अमाउंट दे दो आते रहे के जिस विभाग में आप उसके नहीं करते, क्योंकि उसकी जो वर्क इफिशियंसी है